गाइस, वेलकम टू ड्रेडली ड्रेडलॉक्स। हाय, हम लोग आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो आप अगर आपके पास में ड्रेडलॉक्स है तो ये चीज करना जरूरी है आपको। एक है ऑयलिंग स्कैल्प का और दूसरा है डिटॉक्स। ऑयलिंग आप जब भी वॉश करते हो उसके एक दिन पहले कर सकते हो या कुछ घंटे पहले, और डिटॉक्स हर 4 से 6 महीने में करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा बिल्डअप होता है आपके ड्रेडलॉक्स में। जब ये डिटॉक्स करेंगे वो जो बिल्डअप है वो पूरा लूज होके निकल जाएगा और आपका ड्रेड्स एकदम फ्रेश रहेगा। तो आज हम लोग मेरा वाइफ है जिसका सर के ऊपर 191 ड्रेडलॉक्स है। मुझे लगता है इंडिया में कोई नहीं या किसी के भी सर पे इतना ड्रेडलॉक्स नहीं जितना मुझे जानकारी है, क्योंकि ये माइक्रो ड्रेडलॉक्स है, एकदम पतले वाले ड्रेडलॉक्स, और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग करेंगे, स्कैल्प के ऊपर ऑयल डालना ज़रूरी है, आप ड्रेडलॉक्स के ऊपर ऑयल मत डालना। हेलो, यू ऑल्सो वॉन्ट कम इन द वीडियो। तो स्कैल्प के ऊपर डालना ऑयल, क्योंकि वहाँ पर से आपका ऑयल आपका बाल पे जाता है, तो इसको पूरा ऑयल ही मत करना, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा आपको ड्रेडलॉक्स धोने के लिए और साफ होने के लिए। स्प्रे लेंगे तो बहुत अच्छा है, मैं ऑयल भी बेचता हूँ जो हेम्प सीड ऑयल आता है, इट्स वेरी गुड एंड न्यूट्रिशियस फॉर योर हेयर। तो स्कैल्प के ऊपर लेके अगर ये रहेगा तो बहुत अच्छा है, सीधा स्कैल्प के ऊपर चले जाता है, अगर आप देख सकते हो स्कैल्प पे सीधा, और फिर उसके बाद में अच्छा से मसाज कर लेना। किसी को बोलना आपको मसाज करने के लिए एंड एंजॉय द मोमेंट। लेट्स सी ऑल व्हाइल वॉशिंग। ड्रेडलॉक वॉश करने का टाइम है, डिटॉक्स करने का टाइम है, पूरा गंदगी बाहर निकालने का टाइम है। बेसिन है तो अच्छा है, बेसिन नहीं है तो आप टब के अंदर भी कर सकते हो, ना टब के अंदर जरा सा अच्छा टब रहना चाहिए बड़ा, जहां पर आपका ड्रेड्स पूरा सबमर्ज हो जाए। तो गरम पानी कर दिया है। सो पहला आपको गरम पानी में डुबा के रखना है अपना हेड को, और उसके अंदर पहले शैम्पू या सोप जो भी आप यूज करते हो ड्रेड्स धोने के लिए, तो वो करना गरम पानी के अंदर। तो पूरा झाग वाला ये बनाना पानी, गरम पानी शैम्पू या सोप जो यूज करते हो आप, इसको ऐसा बना के फिर डुबा के रखना एटलीस्ट 5 to 10 minutes। गरम पानी होना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि वो पूरा आपका जो डॉट है अंदर ड्रेस के अंदर जो भी गंदगी है वो पूरा लूजन अप करेगा। देखो फर्स्ट वॉश ऐसा होगा, अपना ड्रेस एयर फिल्टर है तो एयर को फिल्टर करके गंदगी इसके अंदर रहता है, इसके लिए 4 से 6 महीने में आपको ये करना जरूरी है अंदर से बाहर। तो जब ये आप नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो नॉर्मल, जब भी हर 7 से 15 दिन के बीच में जब भी आप वॉश करते हो अपने ड्रेड्स को, तो ये जो बाहर का गंदगी है वो साफ होता है, तो आपको लगता है कि अंदर भी साफ है, बट नहीं, अंदर गंदा रहता है, क्योंकि मैं जब भी ड्रेड्स खोलता हूँ। तो जब भी आप डिटॉक्स करते हो तभी अंदर का गंदगी बाहर निकलता है, तो ये गंदा रहेगा पानी, इसका मतलब काम कर रहा है आपका डिटॉक्स। दूसरा स्टेप रहेगा वापस से गर्म पानी, हर चीज में गर्म पानी यूज करना, क्योंकि वो लूजन आप करते रहेगा आपका गंदगी को। तो बेकिंग सोडा 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा यूज करना पहला वॉश में, 10 से 15 मिनट मैक्स आपको सोक करके रखना है बेकिंग सोडा में, क्योंकि बेकिंग सोडा ये जो डिटॉक्स है हम लोग सिर्फ 4 से 6 महीने में ही करते हैं इसको। रीजन है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा आपका बाल को अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए रखा आपका बाल डैमेज होता है उससे, इसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मैक्स, उसके बाद में आप जब ये निकालेंगे सब अंदर का गंदगी निकला होगा। कम से कम 1 घंटे का प्रोसीजर है ये, तो आपको पूरा टाइम लेके करना है। देखना बेकिंग सोडा का कमाल, पूरा अंदर का गंदगी निकला है इसमें। तो ये थर्ड स्टेप है बेकिंग सोडा के बाद में, वापस से आपको गर्म पानी लेके शैम्पू या सोप पूरा ऐसा झाग वाला पानी बनाना है, क्योंकि बेकिंग सोडा ने जो कचरा बाहर निकला रहेगा शैम्पू उसको और पूरा साफ कर देगा बराबर से। तो वापस से इसको डुबा के रखना 5 से 10 मिनट। बेकिंग सोडा के बाद में शैम्पू करना जरूरी है, क्योंकि देखा मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा लूज करता है आपका गंदगी को,
और शैम्पू उसको निकाल देता है वहां से। सबसे लास्ट प्रोसीजर है वापस से गर्म पानी और उसके अंदर हम लोग एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। एक दो तीन और चार, चार एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि जो आपका बाल डैमेज हुआ है बेकिंग सोडा से एप्पल साइडर उसको ठीक करेगा, प्लस जो भी बैक्टीरियाज है उसके अंदर और जो भी गंदगी है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एप्पल साइडर विनेगर। एंड लिंबू अच्छा फ्रेशनेस के लिए और आपका ड्रेस अंदर अच्छा खुशबू आएगा, ये पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा आपका जो भी पीएच लेवल है वो वापस से नॉर्मल कर देगा आपका ड्रेडलॉक्स का। वापस से सोक करना 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद में फिर आपको वापस से नॉर्मल पानी से धोना नहीं है उसको। यही जो पानी है एप्पल साइडर विनेगर का और नींबू का पानी वो ही रहने दो, वो अपने आप फिर वो जो गिरते रहेगा जाने दो उसको, और फिर ड्राई करना। थोड़ा टाइम के लिए वो स्मेल रहेगा एप्पल साइडर विनेगर का, बट उसको रहने दो, नॉर्मल पानी से उसको धोना मत एंड में। तो ये रहेगा आपका डिटॉक्स प्रोसीजर गाइस। तो ये फ्रेश एंड सुंदर ड्रेडलॉक्स हो गया, कुछ भी गंदगी नहीं है इसमें, थोड़ा तो रहेगा, 100% क्लीन नहीं होता है, बट बहुत फ्रेश लगेगा आपको ये डिटॉक्स प्रोसीजर करने के बाद में, जो भी पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला आपको बताता हूँ गर्म पानी और शैम्पू, फिर उसके बाद में दूसरा रहेगा गर्म पानी और बेकिंग सोडा, थर्ड रहेगा गर्म पानी और शैम्पू, और फोर्थ रहेगा क्या था, गर्म पानी और एप्पल साइडर विनेगर और लींबू। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना अगर आपको ये प्रोसीजर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। मैं बहुत सारा अलग अलग चीजें लाऊंगा आपके लिए, ड्रेड्स के लिए, ब्रेड्स करने वाले लोगों के लिए और कॉन्ट्रोल्स वाले के लिए, तो स्टे ट्यून्ड।